सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की जांच पर कोरोना का साया। पूछताछ के लिए आज एनसीबी दफ्तर पहुंची थी श्रुति मोदी, रिपोर्ट आते ही उन्हें वापस लौटाया गया। अजय शाह से भी होनी थी पूछताछ, अब प्रोटोकॉल पूरा होने पर होगी अगली कार्रवाई। ड्रग केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती आज बॉम्बे हाई कोर्ट में दे सकती हैं जमानत याचिका, भाई शौविक भी लगा सकते हैं अर्जी। सुशांत केस की जांच कर रही एसआईटी टीम आज लौट रही है दिल्ली, 5 सदस्यों की थी टीम। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर जारी है सियासी बवाल, शिवसेना के मुखपत्र सामना में जया बच्चन के बयान का समर्थन। जय की थाली वाले बयान पर आरएसएस नेता रामलाल का ट्वीट, स्वास्थ्य की दृष्टि से थाली निरंतर साफ होती रहनी चाहिए। बीजेपी सांसद रवि किशन का नया ट्वीट, दोहे लिखकर बॉलीवुड को नशे से मुक्ति की दी सलाह। जया बच्चन पर कंगना का एक और हमला, लिखा मैंने थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये मेरी अपनी थाली है जया जी आपकी नहीं। कंगना रनौत पर उर्मिला मातोंडकर ने किया पलटवार, कहा कंगना ड्रग के खिलाफ अपने गृह राज्य से क्यों नहीं करती अभियान की शुरुआत। तीन कृषि विधेयकों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, तीनों बिल किसानों के लिए बेहद फायदेमंद। जेपी नड्डा ने किया दावा, मोदी सरकार की तरफ से लाए गए ये तीनों बिल बदलेंगे किसान की किस्मत। ये तीनों ही बिल बहुत दूर दृष्टि रखते हैं और बहुत दूर दृष्टि रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लियामेंट में पास कर। जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस कर रही है विरोध की राजनीति। जेपी नड्डा ने कहा एमएसपी अब भी रहेगा बरकरार, लेकिन किसान मंडी से बाहर भी बेच सकेंगे अनाज। कृषि से जुड़े विधेयक के खिलाफ किसानों का जबरदस्त विरोध, अमृतसर दिल्ली राजमार्ग को तीसरे दिन भी किया जा। नए अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान, मंत्रियों के घरों का घेराव करने की तैयारी। हरियाणा पंजाब यूपी और राजस्थान के किसानों ने विरोध का किया ऐलान, संसद के बाहर भी प्रदर्शन। यूपी से दिल्ली के लिए किसान मार्च की तैयारी, गाजियाबाद में सख्त सुरक्षा। मोहाली में भी सड़क पर उतरे किसान, नए विधेयक का किया विरोध। विधेयक को लेकर राज्यपाल से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, विरोध जताते हुए सौंपा ज्ञापन। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य को लेकर किसान आए गाजियाबाद, मुआवजे को लेकर देंगे ज्ञापन। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी, फरार पत्नी और बेटे को लेकर नोटिस। एक महीने में नहीं हाजिर हुए पत्नी और बेटा तो संपत्ति होगी कुर्क, विधायक विजय मिश्रा इन दिनों चित्रकूट जेल में बंद। विजय मिश्रा और परिवार पर मकान पर कब्जा और चेक पर जबरन हस्ताक्षर कराने का आरोप, पत्नी रामलली सोनभद्र से एमएलसी। देश में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 50 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की तादाद, 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1290 लोगों की मौत, अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले, 10,77,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 3,17,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में फिर तेजी से बढ़ा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 4200 से ज्यादा नए मरीज। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, 21 दिन में कोरोना को हराने और 20 लाख करोड़ के पैकेज पर बीजेपी ने पकाया ख्याली पुलाव, एक सच ये भी था आपदा में अवसर। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है पर मोदी सरकार गायब। सुरजेवाला ने लिखा संक्रमण की दर और प्रतिदिन कोरोना से मौत की दर में भारत सबसे आगे, पीएम देंगे जवाब। सक्रिय कोरोना केस में भारत दूसरे नंबर पर, कोरोना केस डबल होने के आंकड़े में भारत पहले नंबर पर। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली व्यवस्था पर प्रियंका गांधी ने लिखा 30-35 साल से पहले नौकरी नहीं फिर बंधुआ मजदूर जैसी व्यवस्था, युवा अब सच्चाई समझ चुका है। संसद में चीन रक्षा मंत्री के दो टूक से बौखलाया, कहा सर्दियों में फिर बढ़ सकता है तनाव। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से आई खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को बताया उकसाने वाला। ग्लोबल टाइम्स में लगाया आरोप, आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने के लिए सरहद पर तनाव बढ़ाने की दलील।
भारत चीन सीमा पर तनाव कम होने के आसार नहीं, चीनी सेना के कमांडर्स ने बढ़ाया अलर्ट। सैनिटाइज इमेज से खुलासा, 1887 के बाद पहली बार पैंगोंग घाटी में दिखी इतने सैनिकों की तैनाती। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर भी बड़ी चीन की हलचल। भारतीय सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार, उत्तरी किनारे के ऊंचाई वाले इलाकों पर सेना ने बढ़ाई तैनाती। संसद से मोदी सरकार ने चीन को दिया साफ संदेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले एलएसी पर मंजूर नहीं कोई भी बदलाव। राज्यसभा में गृह मंत्रालय का बयान, 6 महीने से भारत चीन सीमा पर घुसपैठ की कोई कोशिश सफल नहीं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, एप्स पर बैन और चीन की सरकार के बैंक से गुपचुप कर्ज, देश के स्वाभिमान पर समझौता मंजूर नहीं। बिहार चुनाव पर सियासी हलचल तेज, एलजेपी बिहार एनडीए में रहेगा या नहीं इसका फैसला आज। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे फैसला, सांसदों के साथ 2 बजे बैठक। 7 सितंबर को हुई थी संसदीय बोर्ड की बैठक, 143 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर ऐलान, आज इस पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में आरएसएस के समर्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। योगी सरकार दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की लेट लतीफी पर खफा, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। राजस्थान के बूंदी में बड़ा हादसा, चंबल नदी में पलटी नाव, 6 लोगों के शव मिले, 25 लोग थे नाव में सवार। यूपी के बस्ती में बकाए को लेकर बिजली काटने गए जेई पर हमला, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर। हमले के आरोपी सत्यप्रकाश चतुर्वेदी को पुलिस ने लिया हिरासत में, साथियों की तलाश जारी। अंबाला में जूस कॉर्नर की आड़ में चल रहा था अवैध शराब का धंधा, बरामद हुई अंग्रेजी और देसी शराब। पुलिस के साथ बदसलूकी रोकने के लिए नई पहल, अब कैमरा लगाकर ड्यूटी देगी पुलिस। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पार्किंग को लेकर हंगामा, पत्थरबाजी और तोड़फोड़। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक क्लिनिक में लगी आग, पूरा सामान खाक। यूपी के सीतापुर में इनामी गो तस्कर को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हावड़ा में गैस सिलेंडर से भरी लॉरी हादसे का शिकार, सिलेंडर्स में होने लगे धमाके। धमाके की वजह दुकान और कुछ घर भी आए चपेट में, एक नर्सिंग होम के मरीजों को हटाया गया। नोएडा में अवैध खनन को लेकर चली गोली, झगड़े में 2 लोग घायल। हापुड़ में जेसीबी से कुचलकर युवक की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। गोरखपुर में सेवा सप्ताह के दौरान विधायक ने हाथ में उठाया बेलचा, अधिकारी और कर्मचारी भी सफाई में जुटे। 2 महीने पहले बालाजी मंदिर से अगवा हुई नाबालिग, दिल्ली के द्वारका में मिली, मेडिकल जांच के बाद परिवार को सौंपा। असम के नौगांव में सड़क पर एक बच्चा सहित 3 लोगों की मौत। मुंबई के सायन अस्पताल पर लगा एक और गंभीर आरोप, एक मरीज की किडनी निकाले जाने के आरोप में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों का आरोप, सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मौत के बाद उसके कमर पर दिखे टांके के निशान, अब अस्पताल से शव गायब। पूर्णिया में 2 दिन की बारिश के दौरान गिरी स्कूल की इमारत, कटाव रोकने का नहीं था इंतजाम। नासिक में प्याज के निर्यात पर लगी रोक, जहाज से उतारे गए प्याज भरे कंटेनर, किसानों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में फर्जी रियल एस्टेट कंपनी खोलकर 59 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़। प्रयागराज में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। आगरा में मेंटल हॉस्पिटल का राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित ने किया औचक निरीक्षण, सामने आई कई खामियां। मेंटल हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने प्रबंधन पर खुद को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया, कहा बंधक बनाने का वीडियो भी किया वायरल, पुलिस ने नहीं सुनी कोई बात। मदुरई में ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन ने किया प्रदर्शन, प्राइवेट माइक्रो अकाउंटिंग कंपनी की किश्त मार्च 2021 तक बढ़ाने की मांग। एक समाजसेवी ने सऊदी अरब की सुमेशी जेल में 450 भारतीय बंदी का दिया किया दावा, सरकार से मदद की गुहार। राजकोट में गोल बाजार रहेगा बंद, कर्मचारियों में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या से लिया फैसला। कोरोना संकट के बीच सूरत में एक बिल्डर की सराहनीय पहल, पैसे के अभाव में गांव लौटने वालों के रहने के लिए मुफ्त में मुहैया कराया फ्लैट। बिल्डर ने 42 फ्लैट ऐसे मजबूर लोगों को रहने के लिए दिए जो पैसे के अभाव में घर लौट रहे थे।
बद्रीनाथ में अब गर्भगृह के बजाय सभा मंडप से ही श्रद्धालुओं को करना होगा भगवान बद्रीनाथ का दर्शन। श्रद्धालुओं में कोरोना पीड़ित मिलने के बाद गर्भगृह में एंट्री बंद। लामबगड़ में बद्रीनाथ की यात्रा पर आए 5 श्रद्धालु पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बद्रीनाथ मंदिर में सुरक्षा इंतजाम किए गए सख्त। महाराष्ट्र के सांगली में कोरोना पीड़ितों की मौत में इजाफा। ऑक्सीजन की कमी का आरोप। सांगली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 25,000 के पार। रोज आ रहे हैं करीब 1,000 कोरोना पीड़ित। दरभंगा में नगाड़े की धुन पर झूमे सांसद ठाकुर गोपाल जी। एम्स बनने की मंजूरी पर मनाया जश्न। जालौर में करंट से खेत में काम कर रहे किसान की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। झांसी में एक मुनीम से 3 लाख की लूट। बैग छीनकर बाइक सवार बदमाश हुए फरार। कानपुर में सीएम योगी का पुतला फूंकने को लेकर बड़ा विवाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी छात्रों ने कपड़े उतार कर किया प्रदर्शन। संविदा भर्ती का किया विरोध। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की रिहाई की मांग। अमृतसर जालंधर के रास्ते में ब्यास पुल पर किसानों का दूसरे दिन भी धरना जारी। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी। अमृतसर में किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा बवाल। धरने के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने खोला मोर्चा। तिरुवनंतपुरम में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी। मांगा इस्तीफा। सोना तस्करी केस में घिरे हैं जलील। बांकुड़ा में पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले 3 चोरों को पकड़ा। चोरी की 19 बाइक बरामद। कोयम्बटूर में लेफ्ट के संगठन एसएफआई ने किया प्रदर्शन। चेन्नई में एसएफआई नेता पर हमले का विरोध। नोएडा में 100 करोड़ की ठगी के केस में 9वीं गिरफ्तारी। फर्जी कंपनियों के फ्रेंचाइजी के नाम पर हुई ठगी। ग्रेटर नोएडा के याकूतपुर गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में चली गोली। 4 लोग घायल। दबों में आसमान से गिरी बिजली ने 7 लोगों की छीनी जिंदगी। 4 जगहों पर हुआ वज्रपात। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर बना गाना। भोजपुरी गाना रॉबिनहुड बिहार के का टीजर लॉन्च। घुसखोर कांपे खरे खरे नाम से। माफिया अपराधी मांगे दुआ भगवान से। राजस्थान के पाली में सीमेंट टैंकर का ब्रेक फेल। 100 मीटर तक दौड़ा टैंकर। गांव वालों ने टायर के आगे पत्थर डालकर रोका। टल गया बड़ा हादसा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।